नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी आपको हम देते हैं। तो वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या म्यूचुअल फंड के रेगुलर या डायरेक्ट प्लान में निवेश करने के मुकाबले ईटीएफ में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है? रिडेम्पशन के वक्त एनएवी में क्यों आपको दिख सकता है बदलाव? क्या म्यूचुअल फंड में निवेश यूपीआई के जरिए कर सकते हैं? और इस हफ्ते फंडनामा में हम अपने सभी एक्सपर्ट से ये जान रहे हैं कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और एक मुश्त रिडेम्पशन दोनों में बेहतर क्या है। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सीईओ सुदर्शन रूंगटा। सुदर्शन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, कैसे हैं? बस और बढ़िया है स्वाति, आपको आपको भी बहुत बहुत बधाई छठ पूजा की। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए पहला सवाल यहाँ पे लेते हैं। नीरज अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। नीरज जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, छठ परिवार की शुभकामनाएं। मैं बनारस से बोल रहा हूँ जी। और मेरा ये सवाल है कि मैं एसआईपी मेरी चलती है, चला रहा था मैं, करीब 25,000 से 30,000 रुपए मंथली एसआईपी है मेरी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा कि उसमें एक्सपेंस रेशियो बढ़ने लगा और जैसे 500 रुपए की एस आई पी है तो 2-3 पैसा वहां भी कट के वो एनएवी मिलता था मेरे को, यूनिट अलॉट होती थी जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने बहुत सारी जो करीब 50% मोर देन 50% अपनी जो कॉर्पस है उसको मैंने ईटीएफ में ट्रांसफर किया है, कर लिया है ऑलरेडी। हाँ, ऑलरेडी किया है मैंने। तो क्या ये मेरा डिसीजन सही है कि वापस से मेरे को म्यूचुअल फंड में आना चाहिए कि ईटीएफ में ही रहना चाहिए? आपने ETF में कौन से ETF में कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं? ETF में मैंने निफ्टी का ETF लिया है, IT इंडेक्स लिया है, कंज्यूमर इंडेक्स लिया है। अच्छा, और मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन है 35 से 40 इयर्स का होराइजन है मेरा। सस्ता तो पड़ता है ETF में निवेश करना, एक्सपेंस काफी कम होते हैं वहां पर। सुदर्शन, इनका ये जो मूव था नीरज जी का 50% ट्रांसफर कर देना पूरे निवेश का ETF में, आपको लगता है सही है? स्वाति, नीरज जी का ये मूव अगर हम देखें ना, एक मैच्योर्ड मूव है। एक्सपेंसेस डेफिनेटली ETFs में कम है तो उन्हें वो बेनिफिट उनके रिटर्न्स में मिलेगा। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ETFs में वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो लाइव मार्केट एनवायरनमेंट में उन्हें पार्टिसिपेशन का बेनिफिट मिलता है। हालांकि जब हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एंड ऑफ द डे का एनएवी प्राप्त होती है। अब इस दौरान कभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहे तो उनको वो ऑप्शन नहीं मिलता बेनिफिट का। तो इससे ETF के जरिए जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें मार्केट का जो मूवमेंट है उसमें वो अपने डिस्क्रिशन से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये एक एडिशनल बेनिफिट है जी। दूसरा, ETF में इन्हें ध्यान रखना होगा कि रिकॉर्ड कीपिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉन्ग टर्म आज के तारीख में टैक्सेबल है तो इनको जो रिकॉर्ड कीपिंग है, इनको म्यूचुअल फंड से कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वो नॉर्मल इक्विटी परचेज करते हैं तो और रिकॉर्ड जो कॉस्ट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज, वो उन्हें खुद ही मेंटेन रखना होगा ताकि जब वो सेल करें तो उस समय जो कैपिटल गेन्स डिटरमाइन करने के लिए उन्हें ये रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब अगर ये म्यूचुअल फंड के जरिए जो रेगुलर और डायरेक्ट स्कीम्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिकॉर्ड कीपिंग का जो भी प्रोसेस है वो म्यूचुअल फंड ना उनको पूरा प्राप्त ना सब बेनिफिट्स देता है। अगर 30 साल का जैसे ये बोल रहे हैं इनकी अवधि है निवेश करने की, अगर 30 साल बाद कोई रिडेम्पशन करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड से जाके हिस्टोरिकल डेटा पूरा ले सकते हैं और कैपिटल गेन स्टेटमेंट भी उन्हें मिल जाएगा। तो ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में अगर हम एक्सपेंस का खाली देखें और जो पार्टिसिपेशन बेनिफिट्स है, यस ETFs आर मच बेटर। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्हें देखना होगा ये किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि निफ्टी और IT और कंज्यूमर इंडेक्स में ETFs में ये इन्वेस्टेड हैं। इंडिया एक अभी एक काफी मतलब ये एक मैच्योर्ड ETF जो होता है बहुत मैच्योर्ड इन्वेस्टर के लिए होता है। और इंडिया इज नाउ कमिंग टू टर्म्स विद एक्सेप्टेंस दैट ETF इज हियर टू स्टे।
तो यस, एक बहुत अच्छा मूव है ओवरऑल अगर हम देखे जाए तो। ओके नीरज जी, जी तो बेसिकली मूव आपका अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई स्टेटमेंट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से नहीं आएगा जब आप ETF जी में मैडम, निवेश करते हैं, जी तो जी वो सब कुछ ना खुद से मेंटेन करेंगे और उसको संभाल के बहुत ही जी सावधानी पूर्वक उसको आप मेंटेन करेंगे ताकि बाद और में एक चीज मैम, स्वाति जी जैसा कि सुदर्शन जी ने बताया कि मैं जो मेरा जो कॉर्पस है जो मैं SIP की तरह चला रहा था, और जो इन्होंने बताया कि मैं उसको लमसम परचेज नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसका बैंक को मैंडेट दिया हुआ है अच्छा और वो वीकली मेरे अकाउंट से पैसा SIP की तरह कट रहा है। अच्छा ओके मतलब मार्केट का जो वॉलिटिटी है उसमें उसका बेनिफिट मेरे को यूनिट के थ्रू मिल रहा, एवरेजिंग आपको हो आपकी हो जा रही एवरेजिंग है। हो रहा है मेरा। मैं एक कोई कोई में तो डेली SIP चल रहा है मेरा। जी अच्छा ओके जी ओके जी सुदर्शन, तो यहाँ पर ये ETF में निवेश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनको एवरेजिंग का फायदा है वो इनको मिल रहा है। नहीं, ये बहुत एक काफी मेच्योर इन्वेस्टर की एक ये निशानी है और बहुत अच्छा मूव है। मैं मतलब एक बधाई दूंगा कि ये काफी बहुत अच्छी तरह इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है इनका मार्केट में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे अरुणा सैनी जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे, नमस्ते, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पंचकुला से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा क्या सवाल है आपका? आपने कुछ रिडेम्पशन किया था और NAV हाँ आपका। जी, हाँ जी, स्वाति जी नमस्कार। पहले तो आपको जी हमने रिडेम्पशन दिया था HDFC टॉप 100 का, उसमें उसका NAV वैल्यू जो उस दिन था वो नहीं लगा। पता नहीं कौन सा NAV लगा है, ना उसे अगले दिन वाला लगा, कुछ ऐसे ही कुछ डिफरेंट सा कुछ लगा है जो मुझे समझ में नहीं आया। जबकि अच्छा आपने एक दिन बताया था कि जब आप रिडेम्पशन करेंगे सेम डे का NAV लगेगा। कट ऑफ टाइम के हिसाब से ये तय होता है, लेकिन ये बताएं कि आप कितने साल या दिनों के निवेश के बाद ये पैसे आप रिडीम कर रहे थे? ये 1 साल से ज्यादा हो गया था, मैंने SIP में लिया था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता और होगा आप पूरी लेकिन जितना पूरी यूनिट रिडीम कर रहे थे जितना आपने निवेश किया सारा का सारा बैलेंस, हाँ मैंने कुछ तो पहले कर लिया था, अभी जो बैलेंस कुछ 50 बैलेंस यूनिट था? बचे हुए थे। अच्छा ओके यहाँ पर NAV डेट किस दिन की ली गई है इसको लेकर थोड़ी सी उलझन है। सुदर्शन बताइए कि क्यों 28 अक्टूबर को NAV इन्होंने देखी 440 के आसपास का था, उन्होंने रिडीम किया, रिडेम्पशन के लिए अप्लाई किया और जो इनको मिला है वो 434 के आसपास का मिला है भाव। जी आपका जो NAV था जो आपको दिखाई दे रहा था 28 तारीख को, वो एक्चुअली 27 तारीख के एंड ऑफ द डे का NAV था। तो जो 440.97 कुछ था, जब आपने 28 तारीख को रिडेम्पशन दिया तो अज्यूम करते हैं कि आपने 28 को कट ऑफ टाइम से पहले दिया था रिडेम्पशन, तो 28 को शायद मार्केट गिरा होगा, तो 28 का जो NAV जो एंड ऑफ द डे डिक्लेयर होता है वो करीबन 435 का था। अब क्योंकि आपका अगर 1 साल के पहले कोई रिडेम्पशन होगा, जो आपने जैसे कहा कि आप SIP से जरिए इन्वेस्ट हो रहा था, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपका 1 साल के पहले रिडीम हुआ है तो उसमें एग्जिट लोड लगता है। इसी वजह से आपका जो एवरेज प्राइस आपका रिडेम्पशन आया 434 पॉइंट समथिंग आया है। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ये प्रॉपर एक विद इन रेगुलेशन ये ट्रांजेक्शन हुआ है। ओके अरुणा जी, क्लैरिटी हाँ जी मिल गई आपको? हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो अभी बेसिकली हमें ये नोट करना पड़ेगा उसको कितना टाइम हुआ है हम जब उसको रिडीम करवा रहे हैं। जी 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 जरूर। धन्यवाद मैडम। चलिए अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे हम नरेंद्र जी का। नरेंद्र जी की उम्र 70 साल है। इन्होंने लिखा है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के ब्लू चिप फंड में UPI से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, ना ही कस्टमर केयर से मदद मिल पा रही है। मैंने कस्टमर सर्विस में भी उनके जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के वहाँ पर भी लिखा है, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला। तो क्या करना चाहिए अब इनसे, क्योंकि बात नहीं हो पा रही है, तो हमें नहीं पता कि इन्होंने शुरुआत कर दी है, बीच में अटक गया है निवेश, या फिर ये करना चाहते हैं शुरुआत और हो ही नहीं पा रहा। लेकिन दोनों सिनेरियो में क्या है सोल्यूशन? स्वाति, 2018 में एम्फी ने UPI के जरिए इन्वेस्टमेंट करने का एक ऑप्शन अलाउ किया था। जी
हालांकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप खाली लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप एसआईपी सेटअप करना चाहते हैं तो एसआईपी में जो फर्स्ट ऑर्डर रहता है या फर्स्ट परचेज जो रहता है खाली वो ही यूपीआई के जरिए पेमेंट हो सकता है, सब्सिक्वेंट जो डेबिट्स हैं वो मैंडेट के थ्रू ही होंगे। एक्सिस म्यूचुअल फंड आज के तारीख में ये फैसिलिटी ऑफर नहीं कर रहा है, हालांकि काफ़ी जो लीडिंग म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं लाइक HDFC, आदित्य बिरला, IDFC, इन्होंने शुरू की है यूपीआई की जो ऑप्शन है पेमेंट का। एक्सिस म्यूचुअल फंड हाल फिलहाल में ये ऑप्शन नहीं मुहैया करवा रहा है। ओके, ऑलराइट। सो यूपीआई इज बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जरिया है इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना सुदर्शन? दैट्स राइट। तो अगर इससे इसके थ्रू नहीं हो रहा है तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात हालांकि नहीं होनी चाहिए, आप नॉर्मल तरीके से करें जो बाकी आप जैसे बैंक अकाउंट को लिंक कर दे वहां से हर महीने आपके पास चले जाएंगे, मतलब जी हाँ, आज के तारीख और बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। इनफैक्ट अभी आधार बेस्ड ई नच मैंडेट भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ आपको विदाउट सिग्नेचर आप है ना मैंडेट रजिस्टर कर सकते हैं, आपका नेट बैंकिंग हो उसके जरिए आप कर सकते हैं, 3 दिन के अंदर आपका बैंक अप्रूव कर देता है, आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उसमें आप खाली उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, आप लमसम नहीं कर सकते, खाली SIP हो सकता है। ओके, तो काफी जो इन्वेस्टर को जो भी सुविधा है जो उनके लिए कन्वीनियंट है आज के तारीख में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने इनके पोर्टफोलियो के ऊपर बात कर ली क्या, इनके कुछ और भी फंड्स हैं, लिक्विड फंड है, लॉन्ग टर्म इक्विटी है एक्सिस का, कोटक के ब्लू चिप और मल्टी कैप, ICICI डिस्कवरी वैल्यू फंड और HDFC मिड कैप, इनकी उम्र और इनका सिलेक्शन ऑफ फंड, चॉइस ऑफ फंड्स, इसमें आपको लग रहा है कि कुछ मिसमैच है या फिर कुछ चेंजेस की जरूरत है? सी, उम्र और जो स्कीम्स कैटेगरीज हैं उसमें काफी बड़ा मिसमैच है, बट अगर मैं इंडिपेंडेंटली स्कीम्स देखूंगा तो इन स्कीम्स बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें कंटिन्यू हो सकते हैं। अब उम्र के हिसाब से हमें देखना होगा उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। अगर ये इक्विटी लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर है जो इन्होंने अपनी यूथ में मिडिल एज में अगर ये इक्विटी कंटिन्यू किया और अगर ये इक्विटी समझते हैं और इनकी फैमिली इक्विटी समझती है और उससे कंफर्टेबल है विद द रिस्क, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा चॉइस है। बिकॉज मेरे ख्याल से इन्होंने लेगेसी भी देखी होगी, जहाँ इनके बाद इनकी नेक्स्ट जनरेशन को अगर जब ये इनहेरिट होगा तो वो स्ट्रेट अवे एक इक्विटी कल्चर से वो शुरू होगा उनके लिए, ना कि एक कई बार हमने देखा है कि नई पीढ़ी जो होती है नेक्स्ट जनरेशन उनको सब खुद से स्टार्ट करना होता है। यहाँ अगर ये क्रिएट करके जाने एक प्लेटफॉर्म तो नई पीढ़ी के लिए उसको खाली टेक ऑफ होता है बेसिकली। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जनरेशनल अगर आप प्रोविजन कर रहे हैं तो वो एक एंगल से ये अच्छा चीज है। हाँ, अगर ये विदाउट नॉलेज अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे इक्विटी अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली उन्हें कुछ सलाह लेनी चाहिए, उनके एज के हिसाब से ये मैच नहीं होता। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। राकेश मोदी जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राकेश जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं बड़ौदा गुजरात। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ जी सर, और 46 ईयर एज है मेरी। इक्विटी में मेरा एक आगे इन्वेस्टमेंट था पर जिसमें आधा लॉस था आधा थोड़ा है, और म्यूचुअल फंड में मैंने कई कई पैसे थोड़े डाले पर बहुत थोड़े थोड़े डाले हुए। तो मेरे को अभी मेरे डॉटर के एजुकेशन के लिए 3-4 साल के बाद जैसे मुझे चाहिए उसको बाहर पढ़ाने के लिए, वो फिजियोथेरापी पढ़ रही है अभी। अच्छा, तो बाहर पढ़ाने के लिए कुछ अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या करूं? ये बताएं कि आपने कहा इक्विटी में निवेश था, आधा लॉस हुआ, म्यूचुअल फंड में भी कुछ निवेश किया था, आपने प्लानिंग के साथ नहीं किया ये सब, बस मुझे ये क्यों लग रहा है कि आपने बस सुना, किसी की बात सुनी और निवेश शुरू कर दिया टाइप में, ऐसा कुछ किया है? हाँ जी, आपने ये पूरा प्लान करके निवेश शुरू नहीं किया है अपना, राइट? नहीं, वो ऐसे नहीं किया था पहले, अपने मेरे को इतना यहाँ पे पता नहीं था किस तरह करते हैं। जहाँ पे मैं बड़ौदा स्टार्टिंग मेरा जॉब हुआ था। अच्छा। तो जैसे जैसे कोई इसने डीमैट अकाउंट वाले ने सलाह दी उस तरह मैंने किया था, पर 2008 के जो वो हुआ था जो क्रैश उसमें मेरा इक्विटी में थोड़े पैसे हो गए थे। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, शेयर मार्केट में आप जब निवेश करते हैं तो आप खुद अपनी रिसर्च करते हैं या फिर आप किसी की सलाह लेते हैं या फिर आप सिर्फ टिप? नहीं, अभी तो मैं जी बिजनेस देख के ही कुछ करता हूँ, पर वैसे इक्विटी में मैंने बहुत नहीं डाले। अभी मैंने म्यूचुअल फंड में डाला है जो वो 3 में बताऊँ आपको?
हाँ जी हाँ जी, नाम बता दीजिए कौन सी स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं। डायरेक्ट ग्रोथ, सॉरी सुनाई नहीं दिया, फिर से कहें। SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड डायरेक्ट, अच्छा ठीक है। और निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ओके ठीक है। इसमें मेरे पैसे जो है वो कम डाले हुए अभी, और इक्विटी में जैसे अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट है वो ICICI बैंक, L&T सर शेयर के ऊपर तो यहाँ पर हम कमेंट नहीं करेंगे, हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। एक सवाल आपसे और, आपने एकमुश्त निवेश किया हुआ है या आप इसमें SIP कर रहे हैं? हाँ जी, आपने म्यूचुअल फंड में जो निवेश किया है वो SIP के थ्रू। ओके ठीक है, सारी डिटेल्स मोटे तौर पर हमारे साथ हैं सुदर्शन, आपकी सलाह क्या होगी बताएं। स्वाति, राकेश जी को मैं सलाह दूंगा कि जब वो डायरेक्ट इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें काफी रिसर्च और बहुत कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखना पड़ेगा। अगर ये सोचेंगे कि मुझे मेरा रिलेशनशिप मैनेजर कोई बता दिया ये स्टॉक अच्छा है मैं ले लूं, तो मुझे नहीं लगता ये सही डिसीजन होगा, क्योंकि इसमें आपको एंट्री एग्जिट फंडामेंटल्स टेक्निकल्स ये सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो राकेश जी का जो एक्सपीरियंस है जो 2008 का सब बता रहे हैं, तो उनके हिसाब से जितना अभी इन्होंने बताया मुझे नहीं लगता कि इन्हें डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। दूसरा है कि इनको ये जो इन्वेस्टमेंट्स अभी इक्विटी तीन स्कीम्स में बता रहे हैं, SBI स्मॉल कैप, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप और निपॉन, काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं और वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो दिख रहा है, तो इसमें ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इनको अगर ये लार्ज कैप के बदले अगर ये एक इंडेक्स फंड लेना चाहें तो आई थिंक इन्हें कॉस्ट बेनिफिट मिल जाएगा, जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा कम हो जाएगा जो उनके रिटर्न में झलकेगा, और काफी पैसिव मैनेज्ड फंड है तो ये एक चेंज है ना सोच सकते हैं। दूसरा, इनकी डॉटर के एजुकेशन के लिए ये जो कह रहे हैं कि 3 साल में इनको अब्रॉड भेजने की इच्छा है, तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से हम देखते हैं तो शायद 3 साल बाद ये कॉस्ट पूरा नहीं हो। हालांकि 10,000 से ये कैनरा बैंक को कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में शुरू कर सकते हैं 5,000 रुपए से, ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 2,500 रुपया SIP कर सकते हैं, और मोतीलाल ओसवाल नैसडेक 100 फंड ऑफ फंड उसमें 2,500 रुपए से SIP कर सकते हैं। ओके, तो जो पहले जो चल रही है इनकी SIP उसको कंटिन्यू रखे, साथ में ये भी जो नया इसमें एडिशन कर सकते हैं, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, तो ये जो पहली वाली SIP इन्होंने बताया नहीं है कि किसके लिए, तो आई अज्यूम ये खुद के रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इनकी डॉटर के लिए अगर इन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि मुझे 10,000 रुपए सेट असाइड करना है तो उसके लिए ये कर सकते हैं। ओके चलिए बढ़िया, और इस वक्त टाइम हो गया है हमारे खास सेगमेंट फंड नामा की तरफ चलने का। इस पूरे हफ्ते हमने ये जानने की कोशिश की अपने सभी एक्सपर्ट से कि SWP या फिर एकमुश्त रिडेम्पशन दोनों में बेहतर क्या होता है, और किस सिचुएशन के लिए, किस तरह के लक्ष्य के लिए कौन सा रास्ता अपनाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज आपसे भी वही सवाल सुदर्शन, बताइए। कई दफ़ा लोग समझ नहीं पाते, वो नाम से फेमिलियर हैं, SWP नाम की कोई चीज़ होती है लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ इसका इस्तेमाल करना है, तो किन किन तरह के लक्ष्य के लिए SWP ज्यादा बेहतर होता है? स्वाति, SWP वो एग्जैक्टली एक SIP का ऑपोजिट है। SIP में आप निवेश करते हैं सिस्टमैटिकली, SWP में आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ करते हैं। जी, SWP में दो ऑप्शन है आपके पास, एक फिक्स्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल ऑप्शन और एक दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशन सिस्टमैटिक विड्रॉल ऑप्शन। अब फिक्स्ड ऑप्शन बेसिकली ये होता है कि आप एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स्ड वक्त में आप म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मुझे रिडेम्पशन करके दे दीजिए। एग्जांपल के तौर पे मंथली ऑप्शन अवेलेबल है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी कोई जैसे पेंशन हुआ किसी के लिए, किसी को पेंशन की जरूरत है तो वो मंथली एक फिक्स अमाउंट ना मैंडेट दे सकते हैं म्यूचुअल फंड को, मुझे हर महीने ये तारीख को मुझे आप रिडेम्पशन करके इतना अमाउंट मेरे खाते में दे दीजिए, तो वो फिक्स्ड अमाउंट SWP हो गया। दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशन सिस्टमैटिक विड्रॉल ऑप्शन, इसमें आप जो इन्वेस्ट कर रखे हैं आप म्यूचुअल फंड को मैंडेट देते हैं कि जो भी मेरे परचेस से जो भी मुझे गेन हो रहा है
वो आप मुझे मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअली मुझे विड्रॉ करके दे दीजिए. तो इसमें बेसिकली होगा कि आप एक ही फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो कॉस्ट है दैट विल बिकम योर बेस प्राइस, और उसके ऊपर जो भी गेन हुआ और जो ऑप्शन आपने चूज किया उसके बेसिस पे वो रिडेम्पशन करके जो प्रॉफिट है वो रिडेम्पशन करके आपके खाते में आ जाएगा. अगर लॉस है तो वो पर्टिकुलर पीरियड में कुछ आपको नहीं आएगा. ओके, तो अगर आप सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन वाला ऑप्शन लेते हैं और आप मंथली मोड डालते हैं तो आप इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं अपने रेगुलर खर्चे के लिए, क्योंकि अगर किसी महीने लॉस दिखा रहा हो तो वो पैसे आपको उस महीने नहीं मिलेंगे. राइट, दैट्स राइट. ओके, तो ये ऑप्शन बेसिकली उनके लिए अच्छा है जो मार्केट को टाइम नहीं करना चाहते या जिनके पास वक्त नहीं है उसको मॉनिटर करने का, बट मार्केट से प्रॉफिट एक विड्रॉ करना चाहते हैं. ओके, तो वो तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए. शुक्रिया. और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे तब जब आप हमें सवाल भेजेंगे. सवाल कहाँ भेजना है ये सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है. सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए और हमसे बात करें ताकि आपके सवाल को हम बेहतर तरीके से समझ सकें. फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही. आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ. नमस्कार.